नमस्कार, एमपीसीजी 24 समाचार में आप सभी का स्वागत है। सिंगरौली जिले के ग्राम पंचायत क्षेत्र कुमिया से आ रही है अब तक की बड़ी खबर। एमपीसीजी 24 न्यूज बिपिन सिंह चंदेल की खास रिपोर्ट। सिंगरौली जिले के ग्राम पंचायत क्षेत्र कुमिया में उचित मूल्य की दुकान है, जहां पर सेल्समैन द्वारा हितग्राहियों को खाद्यान्न रातों रात बेचा जा रहा है। सेल्समैन का नाम राम नरेश जायसवाल है, जो कि कुमिया का ही रहने वाला है। हितग्राहियों का गेहूं और चावल दोनों 30 क्विंटल रात 1:30 बजे पिकअप में लदा हुआ ग्रामीणों ने पकड़ा। पिकअप का नंबर MP66G2187 था। पिकअप मालिक का नाम सिपाही लाल शाह, ग्राम मलगो कोलुआडी का है। जब सिपाही लाल से पूछा गया कि गल्ला कहां से आ रहा है, तो उसने बताया कि राम नरेश के घर से ला रहे हैं। SDM माड़ा, SP मिश्रा एवं माड़ा तहसीलदार सुमित गुप्ता एवं राजेश सिंह कानूगो, पटवारी रामगोपाल शाह, तहसील के सभी गण उपस्थित थे। थाना माड़ा प्रभारी राकेश राजपूत एवं आरक्षक रमेश मुंशी एवं अनीस सिंह एवं आलोक चतुर्वेदी एवं खाद्यान्न विभाग अधिकारी शुक्ला जी मौजूदगी में जब जांच किया गया, तो 43 क्विंटल गल्ला का घोटाला पाया गया। उचित मूल्य की दुकान पर SDM साहब के द्वारा ताला लॉक कर दिया गया। कोटेदार पर कार्यवाही की जा रही है। कोटेदार का नाम राम नरेश जायसवाल, पिता जगतलाल जायसवाल एवं सिपाही लाल शाह, दोनों व्यक्ति को थाने ले गए। प्रशासन से निवेदन है कि गद्दार चोरों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और इन्हें बर्खास्त किया जाए। आपका नाम क्या है? पिताजी क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम कुमिया। ये जो कुमिया में समस्या रात को नाइट में सुनने का आ रहा था, क्या समस्या थी? समस्या ये थी, ये चीज हमने सुना, यहाँ हम लोग आर्डर का लड्डू बांध रहे थे, हम थे कारीगर थे, तो निखिल और दीपू वो मतलब लेके आए कि वो आके हमसे बताए कि ऐसे कोटा कोटा से गल्ला लेके आए हैं। क्या कहते हैं कि हम लोग गाड़ी पकड़े हुए हैं, पिकअप, एक पिकअप उसमें माल थी, कै क्विंटल थी हमको पता नहीं था। ओ, कितना समय पकड़े थे? लगभग हम वहाँ पहुँचे 12 बजे, मौके पे गए तो वहाँ पे जनपद उपलब्ध थे और बाकी रुदे काकू भी उपलब्ध थे, राजेश पनिका भी उपलब्ध थे और क्या कहते हैं और वगैरह 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 सब उपलब्ध थे, बहुत पब्लिक थे। तो शाम को कितने समय पकड़े थे? 12 बजे रात में। क्या सरपंच नहीं थे क्या वहाँ पे? जी सरपंच, सरपंच को बाद सरपंच बाद में मान मौके पे आए। फिर पकड़ने के बाद जनपद ने छत्तरम वालों को फोन किए, जिसके बाद राम नरेश वगैरह वगैरह सबका नाम नहीं जानते हैं, सब सबको आए थे। सब आने के बाद हम लोग वहाँ अपने गांव के मालिक पांच गांव के सरपंच को जनपद को उनको हैंड ओवर किए। सरपंच को हम लोग बोले कि 100 नंबर लगाए, कि बोले कि अभी 100 नंबर मत लगाइए, गाड़ी यही खड़ी रहेगी, सुबह जो होगा देखा जाएगा। इसलिए वहाँ से हम लोग दरखास्त हो गए, चले गए। इसके बाद गाड़ी कहाँ गई?